एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। और बताइए आप लोग जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाते हैं कि नहीं, और नहीं मनाते हैं तो ज़रूर मनाइए, क्योंकि ये हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है और हम तो मनाएंगे और आप लोग से शेयर भी करेंगे कैसे मनाते हैं लड्डू गोपाल का जन्मदिन, वो सब आपसे शेयर करेंगे। धनिये का प्रसाद बनाएंगे, भोग बनाएंगे, सब आपसे शेयर करेंगे कि ये भोग प्रसाद कैसे बनता है। तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कढ़ाई हीट हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे धनिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कढ़ाई हीट हो गया, हम इसमें धनिया डाल दिए। लगभग ये हमारी 400 ग्राम धनिया थी जो हम दो बार में भूनेंगे, और भूनने के बाद इसे हम ग्राइंडर जार में थोड़ा थोड़ा करके दो बार में धनिए को ग्राइंड करूँगी। आपको तैयार कर लिए हैं, हमारा धनिया एकदम तैयार है। देखिए ये ना ज़्यादा मोटा रहेगा और ना ही एकदम बारीक, मीडियम में रहेगा। और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम इस कटोरी से एक कटोरी शुगर ऐड करेंगे। इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ऐसे कुरकुरा कुरकुरा अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा और ले लें कि धनिया का प्रसाद जब मीठा रहता है तभी अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी शुगर तैयार हो गई है। शुगर हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इस जन्माष्टमी नहीं तो अगले जन्माष्टमी तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वैसे भी आपके यहाँ कोई कथे का कार्यक्रम या कोई भी पूजा हो रहा व्रत वाले दिन, तो आप इसको बना सकते हैं। और इसकी मेन चीज़ है, जो इसकी जान है, इसमें हम घी ऐड करेंगे। ये देखिए इतना घी हमने लिया है। अब ये कितना होगा, लगभग 50 ग्राम होगा ये घी। इसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम नारियल भी ग्रेट करके डालेंगे। अभी ग्रेट नहीं किए हैं इसलिए अभी डाल नहीं रहे हैं। आप इसमें थोड़े काजू, बादाम, किशमिश डाल सकते हैं। हम भी इसमें डालेंगे, लेकिन शाम के टाइम, भोग लगाने के टाइम। तो देखिए हमारा ये प्रसाद बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है। लौकी नहीं दिख रहा। और अब इसको मैं कढ़ाई में डालूँगी। इसमें मैं अभी ना घी डालूँगी, ना कोई खोआ डालूँगी, कुछ भी नहीं डालूँगी मैं। बस सिंपल दूध और लौकी से इसको बनाऊंगी। और आप देखिएगा इतना टेस्टी, इतना यम्मी ये लौकी का हलवा बनता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मैं इसमें ठंडे ही कुछ करूँगी नहीं। 1 kg फुल क्रीम दूध है ये, इसको मैं सारा इसी में डाल दूँगी। इसको गर्म नहीं करना है। मेरा लौकी भी ठंडा है और मेरा दूध भी ठंडा है, फ्रिज से अभी निकाले हैं। अब इन दोनों को बॉयल आने तक मुझे चलाना है। हमारा हलवा भी इधर एक साथ, हम स्टेप बाय स्टेप अपना भोग भी बना लिए और इस इधर मेरा हलवा भी रेडी हो गया। ये आप देख लीजिए, बिल्कुल भी मेरा दूध फटा नहीं है। और ये जब बन जाएगा हलवा तो इसका स्वाद क्या आएगा, आप लोग बना के देखिएगा। ये देखिए हमारा हलवा चीनी डालने लायक हो गया है। तो अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए 1 कटोरी चीनी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो ये हल्का मीठा ही होगा। आप लोग अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। हमारे हलवे का
रूप रंग कैसा हो गया है, और ज़रा भी मेरा दूध फटा नहीं है, एकदम जैसे लग रहा है कि इसमें खोआ पड़ा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 2 स्पून घी ऐड करूँगी। मैं 1 स्पून छोटी इलायची डालूँगी, और जब हमारा हलवा बनके रेडी हो जाएगा तब इसमें मैं ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करूँगी। तो अभी इस हलवे को मैं शाम को आप लोग को दिखाऊंगी लड्डू गोपाल के थाली में। तो फ्रेंड्स लीजिए, मैं आ गई बहुत देर बाद आप लोग से मिली हूँ, क्योंकि मैं काम में थोड़ी व्यस्त हो गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला। और आप लोग इंतज़ार ही करते रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई, तो मैं किचन में व्यस्त हो गई थी, क्योंकि आज भोग प्रसाद फलाहार सब बनाना था। और हमारे यहाँ पापा जी भी व्रत हैं, मेरे बच्चे दोनों लड़कियाँ भी मेरी व्रत हैं, मेरे हस्बैंड भी व्रत हैं, सारे लोग व्रत। वैसे तो हस्बैंड ड्यूटी पे हैं, छुट्टी नहीं है उनकी, लेकिन वो टिफिन लेके गए हैं, फलाहार करके गए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखिए, आधी अधूरी वीडियो मत देखा करिए। और वीडियो देखने से पहले पहले लाइक कर दिया करिए, फिर देखा करिए। और फ्रेंड जो नए फ्रेंड हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करिए सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड। और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग तक पहुंचाऊंगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं नहाने, और थोड़ी सी तैयारी और बाकी है वो सब करने। तो चलिए फिर मिलते हैं, लड्डू गोपाल के जन्म पे मिलेंगे, या फिर उससे पहले भी मिल सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, थोड़ी देर बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आरव की मस्ती जो कितना एंजॉय कर रहा है जन्माष्टमी। पिछले साल तो गोदी में था, इस साल फुल एंजॉय कर रहा है। देखिए कितना एंजॉय कर रहा है। और ये देखिए भोग, मेरा मिश्री है, मक्खन है, ये हलवे का प्रसाद, ये साबूदाने की खीर है, ये जो है चौड़ा मिर्च है, लड्डू गोपाल को इससे नहलाएंगे। और ये भोग है, पूड़ी है, सब्जी है, खीर है, जो कि लड्डू गोपाल का, ये सब भोग है जो तैयार हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं लड्डू गोपाल का स्नान उस्नान करवा के उनका अभिषेक कर रहे हैं। इनको मुकुट पहना है, कपड़ा पहना चुके हैं। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए आप मेरे लड्डू गोपाल को, और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इन्जॉय किया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कैसे इन्जॉय किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप अच्छी लगेगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो देखिएगा, आधे में मत छोड़िएगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोग का एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।